लेक्चर 25 ये पार्ट है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेशल डायोड्स हमारे शुरू हो जाएंगे। ओके, जितने भी तरीके के हैं, जीनर डायोड है, वैरेक्टर डायोड है, शॉटकी डायोड है, आपके जितने ऑप्टिकल वाले हो गए सारे, तो सबसे पहले उसके लिए देखते हैं जंक्शन ब्रेकडाउन। वैसे तो जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है उन्हें पता है कि जंक्शन ब्रेकडाउन आपको दो तरीके से हो सकता है, या तो जीनर ब्रेकडाउन हो सकता है, या तो आपका अवलेंच ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, अवलेंच क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है बर्फ़ का, तो जब यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरनी शुरू कर जाती है, और जो स्नो स्लाइड जिसको कहते हैं, तो उसको उस तरीके से कह सकते हैं कि ये बर्फ़ गिर रही है, तो बहुत अमाउंट में ऐसे स्पीड में जब बर्फ़ गिरती है, इसको अवलेंच शब्द दिया गया है। ओके, कि अवलेंच आ गया, तो वहीं से हमने निकाला है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करने लगे एकदम से, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसी को हम अवलेंच ब्रेकडाउन बोलेंगे। तो उसको अभी आगे पढ़ेंगे, उसके पहले देखते हैं कि एट सम पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज की अगर बात करें, द रिवर्स बायस करंट विल इंक्रीज रैपिडली। तो किसी पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए एक अगर हम बात कर रहे हैं कि मतलब शुरू में आपने वोल्टेज दिया कोई बात नहीं, जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो रिवर्स बायस का, तो एक पॉइंट आएगा जब एकदम से बहुत ज़्यादा रैपिडली करंट फ्लो करना शुरू कर दिए, और उसी को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। उसी पॉइंट को बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, द अप्लाइड वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उस पॉइंट पे जो आपका वोल्टेज होगा उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, कि वहाँ एकदम से आपका ब्रेकडाउन हो गया और एक लार्ज अमाउंट में करंट आपका फ्लो करना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है कि टू फिजिकल मैकेनिज्म गिव राइज टू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इन अ पी एन जंक्शन, जो हमने पहले ही बोला है, डिस्कस किया कि जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट एक को कहते हैं और दूसरे को अवलेंच ब्रेकडाउन इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो ब्रेकडाउन नॉर्मली आपका कैसा होता है, फॉरवर्ड आपकी करेक्टरिस्टिक तो आप देख ही चुके हैं कि आपका ये ऐसा है, और एक कट इन वोल्टेज आएगा। अगर प्रैक्टिकल डायोड की बात करें, जैसे कि 0.74 सिलिकॉन, तो उसके बाद आपका 0.74 जर्मेनियम, या आपका ऐसे करंट फ्लो करेगा बहुत ज़्यादा, तो आपका एकदम से नहीं, ये आपका फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है इस एक्सेस पे। तो आपने शुरू में वोल्टेज अप्लाई किया, मान लो 0.2 वोल्ट, ठीक है 0.4 वोल्ट, तो एकदम से नहीं, थोड़ी देर बाद एक कट इन वोल्टेज आपका अचीव करता है, उसके बाद ही आपका ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज करता है करंट की वैल्यू। रिवर्स वाइज में क्या होता है कि आपका शुरू में, उसमें भी सेम है कि उसमें शुरू में थोड़ा एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू बढ़ रही है, उसमें शुरू से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू अचीव नहीं करेगी, फिर वो जाके कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो गई, तो ये इस जगह जाके इतनी करंट की वैल्यू है ये। ओके, तो ये आईएस मान लो एक करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, कि आप वोल्टेज यहाँ पे मान लो 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, ठीक है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, कितना भी वोल्टेज लगा रहे हो, ये करंट की वैल्यू सेम है, पर एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जिसको हमने VVBR लिखा है। तो जैसे ही VBR आएगा, वैसे ही आपका एक करंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट की वैल्यू फ्लो करना होगा। देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के कंपेयर में देखो तो करंट की एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू फ्लो करने लगी ये। ओके, तो ये करंट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ये करंट की एक्सिस आपकी, तो इसी को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। और ये ब्रेकडाउन आपको दो तरीके का हो सकता है, जीनर और अवलेंच। तो पहले जीनर ब्रेकडाउन देखते हैं, फॉर जीनर ब्रेकडाउन के लिए, फॉर सिंपलिसिटी ऑफ एनालिसिस, ठीक है हम एक पी प्लस एन जंक्शन लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है कि सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, पी प्लस एन जंक्शन को लेते हैं। ओके, और उसको लेके एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन इज, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्सिस इक्वल टू जीरो पे होती है वैसे तो, बट उसकी वैल्यू को जो सॉल्व करके निकाला है, तो वो हमारा पहले निकाल चुके हैं काफ़ी शुरू के लेक्चर्स में, लेक्चर 1920 आई थिंक, ओके 1920 के अराउंड। तो ई मैक्स आपका माइनस क्यू एन डी एक्स एन और अपॉन एप्सिलॉन एस के इक्वल होता है। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, ई मैक्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू एन डी एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन एस। तो मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड में, तो आपका मैग्नीट्यूड है केवल ये। ओके, ये मैग्नीट्यूड है, तो क्यू इंटू एन डी इंटू एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन एस, बट माइनस होता है आपका नॉर्मली देखें तो पी प्लस एन जंक्शन के लिए आपको पता है कि एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा है डोनर की कंसंट्रेशन से, क्योंकि ये पी प्लस जंक्शन है, पी प्लस में ज़्यादा डोपिंग है एन के कंपेरिजन में। सो विद ऑफ द जंक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स एन के इक्वल हो जाएगी, मतलब कुल मिला के क्या है कि ये आपका माइनस एक्स पी है और ये आपका एक्स एन है, और कहीं पे आपका बीच में एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये एक्स पी होती है, ये पूरी वैल्यू एक्स एन होती है। बट अगर हमने क्या किया कि पी प्लस कर दिया, तो एक्चुअल में क्या होगा ना कि एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा, एक्स पी इतना बड़ा होगा और एक्स एन ये छोटा सा होगा, और ओवरऑल विद ऑफ द जंक्शन क्या होगी, ये पूरे इसकी यहाँ से यहाँ तक। तो जब इसको कंपेयर करो तो आप ये कह सकते हो कि विद ऑफ द जंक्शन को आप एक्स पी के बराबर लिख सकते हो। ओके, आई थिंक ये आपका नहीं, ये आपका एक्स एन ही है, ठीक है। आपका जब विद की हम बात करते हैं ना, तो जिधर डोपिंग ज़्यादा करेंगे उधर विद
कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, ये उल्टा हो जाएगा। आपका एक्चुअल में जो होगा वो एक्सपी कम होगा, जिसमें डोपिंग ज़्यादा है वो कम होगा और दूसरे की विथ बढ़ जाएगी, तो आपका एक्सन हो जाएगा और एक्स इजकल टू जीरो इस जगह पे होगा, तो एक्सन की विथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो ओवरऑल आपका डब्ल्यू जो है वो एक्सन के इक्वल हो जाएगा लगभग, कि विथ जितना एक्स इजकल टू एन वाली जो साइड है, ओके एक्सन वाली साइड कहाँ से लेके ये साइड, ये इसकी विथ बहुत ज़्यादा हो गई और इसी की कंपेरिजन में ये पूरा आ गया फॉर अ पी प्लस एन जंक्शन, ये याद रखेंगे। तो ये किसके को लगे, टू एप्सिलॉन एन एस अपॉन क्यू फॉर्मूला विद ऑफ द जंक्शन का, ओके वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन डी इंटू फाइव बी आई प्लस वी आर, तो वन अपॉन एन ए आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन ए की वैल्यू बहुत बड़ी है और एन ए की वैल्यू बड़ी है वो डिनोमीटर में है, तो डिनोमीटर में जो चीज़ बड़ी वैल्यू वाली है वो जीरो होती है, क्योंकि देखो वन अपॉन टेन थाउजेंड को हम लगभग जीरो मान सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आएगी 0.0001 इस तरीके से। इस लॉजिक के हिसाब से हमने कहा कि अगर एन डी बड़ा है तो वन अपॉन एन ए, सॉरी एन ए बड़ा है तो वन अपॉन एन ए ही आपका जीरो होगा, ओके तो वन अपॉन एन ए ही जीरो होगा। तो उसके बाद ये क्या बन गया, आपका एक्स एन क्या बन गया, टू एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू एन डी, केवल एन डी बचा और फाइव बी आई प्लस वी आर। एन डी डोपिंग कंसंट्रेशन है आपका लो डोप्ड रीजन का, मतलब यहाँ पे तो एन रीजन का। इफ़ यू डिफाइन वी आर जो इजक्वल टू वी बी आर, मतलब इसी वी आर को अगर हम क्या मान लें कि वी बी आर मान लें, कि जो यहाँ पे जो रिवर्स वोल्टेज आपका आ रहा है वही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो उस पॉइंट पे मतलब जब आपका वी आर वी बी आर बन जाता है, तो उस पॉइंट पे जो आपको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो वो ई मैक्स ना मिलके वो ई क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। कुल मिला के ये किसको कन्वर्ट कर रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ना कि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कब है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ओके तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो अब हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसके पहले क्या है कि वी बी आर भी आपका किससे बड़ा है, फाइव बी आई से काफ़ी बड़ा है, तो जो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल था ना, बिल्ट इन पोटेंशियल ये भी एक तरीके का पोटेंशियल ही होता है, ओके वोल्टेज ही होता है, तो वी बी आर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफ़ी बड़ा है, उसको आप ग्राफ से देख के भी बता सकते हो। यह आपका ग्राफ बना हुआ है, तो आप देखो कि वी बी आर कहाँ पर हो रहा है, वी बी आर बहुत दूर जाके हो रहा है। देखो ये वी बी आर है और देखो वी गामा ये है, वी गामा की वैल्यू कितनी है, 0.7, तो अगर आप कंपेरिजन करो तो ये वी बी आर 0.7 से काफ़ी ज़्यादा होगा, 5-6 वोल्ट 10 वोल्ट मतलब कितना भी हो सकता है, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है वी बी आर की। तो वी बी आर के कंपेरिजन में 5 BI आपका चला जाएगा, तो देखो ये इसके कंपेरिजन में 5 BI आपका छोटा हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका केवल वी बी आर यहाँ से बच जाएगा, तो ये क्या बच गया, 2εn^(q^n^d) आपका कॉपी हो गया, ओके 2εn^(q^n^d) और इंटू वी बी आर, तो यह आपका आ गया। अब xn इजकल टू ये है लगभग लगभग, अब ई मैक्स का जो आपको फॉर्मूला था वहाँ पे जो जो चीज़ें यूज हो रही थी ना उनको यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, तो qn^d अपॉन εs इंटू आपका, और उसी ई मैक्स को ई क्रिटिकल बोल देंगे, ई क्रिटिकल है, तो रूट ऑफ 2εs अपॉन qn^d इंटू वी बी आर आपका मल्टीप्लाई हो गया, रूट में है ये बाहर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या आ गया, ई क्रिटिकल इजकल टू ये बाहर वाली टर्म्स का पूरा स्क्वायर, इनका स्क्वायर पूरे का, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और अंदर वाला रूट हटा दो, फिर आप हटा दो ये स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर इधर के क्यू, इधर का एन डी, इधर के ई एस से हट जाएंगे, तो ये आपका क्या आ गया, 2 ऊपर आ गया। इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या आ गया कि 2 तो बाहर है ही, और आपका क्यू एन डी ऊपर आ गया और एप्सिलॉन एस नीचे आ गया, और इनटू वी बी आर, तो असल में ई क्रिटिकल आपका कितनी हो गई, ये हो गई, असल में ई क्रिटिकल की वैल्यू ये आ गई आपकी, 2qnd अपॉन एप्सिलॉन एस इनटू वी बी आर, तो ई क्रिटिकल की वैल्यू असल में ये आ गई। अब यहाँ से वी बी आर को देखते हैं, यहाँ से वी बी आर को अगर देखें तो वी बी आर किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन एस को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ओके तो एप्सिलॉन एस ई क्रिटिकल स्क्वायर अपॉन 2qnd, ये वी बी आर की वैल्यू आ गई। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, ये क्या है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इससे थोड़ा सा हम देखेंगे क्या डोपिंग और वी ब्रेकडाउन वोल्टेज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्चुअल में, ओके तो जो ये यहाँ पे भी है और आपका विद के संग भी है, कि जो विद है डिप्लीशन रीजन की उसके संग स्क्वायर रूट में डोपिंग है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम डोपिंग को बढ़ाते हैं तो विद आपकी कम हो जाएगी। ये सबको पता है कि डोपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको फॉरवर्ड वायस आसानी से आएगा और रिवर्स वायस उतना मुश्किल हो जाएगा, ओके क्योंकि डोपिंग ज़्यादा है। एक तो नॉर्मल डोपिंग आपकी ये होती है कि 10^8 यह आपकी हैवीली डोपिंग होती है, जो कि हमने यहाँ पे करी है पी प्लस में, 10^5
के एटम्स के कंपैरिजन में एक आपने अलग से डोपेंट मिलाया हुआ है। तो VBR भी यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि VBR भी एक्चुअल में डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है। अगर हम डोपिंग को बढ़ाएंगे यहाँ पे तो आपका VBR की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमने देखा VBR और डोपिंग कंसंट्रेशन का रिलेशन। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि वेन पी एन एन रीजन्स आर हैवली डोप्ड, अगर इन दोनों रीजन को हैवली डोप करते हैं, मान लो 10^5:1 की डोपिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जब डोपिंग ज़्यादा करोगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको ज़्यादा मिलेंगे ही। ओके, तो या तो फिर नंबर ऑफ़ होल्स इन द पी रीजन ज़्यादा मिलेंगे, तो इससे रप्चर हो जाएगा। रप्चर क्या होता है एक्चुअल में? ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे आपके अगर आपने डोपिंग ज़्यादा कर दी, ठीक है। टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा क्यों होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ऐसा क्यों होगा वो भी आप समझ लो। अभी हमने ऊपर फार्मूला यहाँ पे लिखा, देखो ये ई क्रिटिकल फील्ड का फार्मूला मैंने लिखा, आप यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो एनडी के कंपैरिजन में ई क्रिटिकल आ रहा है। अब एक्चुअल में ये क्योंकि हमने पी प्लस एन रीजन लिया है तो एन का एनडी, अगर हम केवल पी एन रीजन लेते तो यहाँ पे फार्मूला अलग आता, बट एक्चुअल में हमें केवल एनालिसिस करना है तो ये यहाँ पे सही है। तो अगर फार्मूला अलग आता तो यहाँ पे एनडी एनए दोनों ही होते, मतलब कुल मिला के डोपिंग होती, डोपिंग कंसंट्रेशन होता। तो जितनी ज़्यादा डोपिंग उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कोवेलेंट बॉन्ड्स को ज़्यादा ब्रेक होना पड़ेगा। ओके, उसके आगे देखते हैं कि टेक प्लेस बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑफ पी एन जंक्शन, ठीक है, जंक्शन ऑफ पी एन डायोड, ठीक है, पी एन डायोड ये रहा। द न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर सो क्रिएटेड इंक्रीजेज द रिवर्स करंट, तो जितने नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे वो रिवर्स करंट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे इन अ रिवर्स बायस पी एन जंक्शन। द इंक्रीज इन करंट टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस टिपिकली बिलो 6 वोल्ट, मतलब कुल मिला के उसी लॉजिक को समझा रहा है कि आपका जो ये बनाया ना ये ग्राफ ये ऐसे जा रहा है नीचे, तो ये जो ग्राफ में चेंजेस आ रहे हैं कहाँ पे किसी एक वैल्यू पे आएंगे, तो टिपिकली वो वैल्यू करीब करीब 6 वोल्ट के अराउंड रहती है फॉर हैवली डोप्ड डायोड्स के लिए। और आप ये नोट कर लो कि आपका जीनर जो डायोड होता है वो हैवली डोप्ड ही होता है, तो जीनर डायोड आपका कहाँ पे 6 वोल्ट पे करीब अवलेंच ब्रेकडाउन आपका शो कर देगा, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने सीखी। ओके, जीनर डायोड के लिए, तो जैसे जैसे हम मतलब कुल मिला के डोपिंग पे है, आपने डोपिंग को हाई कर दिया, डोपिंग हाई हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा टूटे तो आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो आपकी रिवर्स करंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई, बट वो एक अमाउंट पे आके ही बढ़ेगी। वो कब बढ़ेगी? 6 वोल्ट पे आके बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही बात हो रही कि जीनर ब्रेकडाउन इज हैवली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है आपका, ये याद रखेंगे, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है और एवलेंच आपका पॉजिटिव होता है, तो दोनों में ये आपका डिफरेंस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। इसका क्या मतलब है? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे यहाँ पे तो आपका VBR जो है या VZ जो वोल्टेज है वो आपका कम हो जाएगा, ये रिलेशन है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव कोफिशेंट होने का सीधा सा मतलब होता है, जैसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट है तो अब ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी दिखा रही है कोई भी चीज़, नेगेटिव का मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घट जाएगी, मतलब इन्वर्स रिलेशन है, और पॉजिटिव का मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो कोई यहाँ पे बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट या फिर किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव कोफिशेंट आप समझ सकते हैं कि वो क्या बता रहा है। ओके, सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड्स गेट एनर्जाइज, बॉन्ड बिकम वीकर एंड देन ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम ईजियर। तो कुल मिला के वही बात है कि ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे आसानी हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, उससे क्या होगा? सो वी विल गेट जीनर ब्रेकडाउन फॉर लेस रिवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे कम रिवर्स वोल्टेज के लिए आपको जीनर ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है। लॉजिक थोड़ा समझो कि आपका कोवेलेंट रिवर्स वोल्टेज क्या कर रहा है, मतलब आप जो कह रहे हो कि 6 वोल्ट, आप इसको समझो, आप जो कह रहे हो मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि 6 वोल्ट करीब करीब आपको वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, बट वो एक्चुअली में किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? वो एक्चुअली में आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स को रप्चर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए चाहिए। अब आप किसी और तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करा दो तो फिर आपका काम 6 वोल्ट में चलेगा, आपका तो 5 वोल्ट में चल जाएगा, आपका तो 4 वोल्ट में काम चल जाएगा। यही लॉजिक है कि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हो तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूट जा रहे हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूट जा रहे हैं तो आपको फिर 6 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, आपका कम वोल्ट में भी काम चल जाएगा। तो ये पूरा जो पैराग्राफ इसी में बोला है, सो वी विल गेट जीनर ब्रेकडाउन फॉर लेस रिवर्स वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे ये समझो पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने बोला है कि हम अब लेस रिवर्स वोल्टेज के लिए जीनर ब्रेकडाउन को अचीव कर लेंगे, तो यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये लेस रिवर्स वोल्टेज वाला। और ऐसा कब होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से। अच्छा, एक पॉइंट और याद रख लो कि जीनर ब्रेकडाउन जो होता है तो उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो शार्प ब्रेकडाउन होता है,
ये याद रखेंगे, बट एवलेंच का शार्प हमारा नहीं होता है, एवलेंच में शार्प ब्रेकडाउन नहीं होता, ये याद रखेंगे। उसके बाद कि फॉर इंक्रीज टेम्परेचर, और कुल मिला के यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको कितना चाहिए, तो लगभग 6 वोल्ट या उससे कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डोपिंग आप ज़्यादा कर रहे हो। मतलब कुल मिला के क्या है ना, चाहे आपका जीनर ब्रेकडाउन हो, चाहे आपका अवलेंच ब्रेकडाउन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन कराने के लिए आपको करना है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने से ब्रेक हो रहा है, या फिर आपने डोपिंग ज़्यादा करी ऑलरेडी उससे ब्रेक ज़्यादा हो रहे हैं, या जिस भी चीज़ से ब्रेक हो रहा है आपको बस वो चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हम हाईली डोप्ड यूज़ कर रहे हैं, किसके अंदर, जीनर डायोड के अंदर। तो जब हाईली डोप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 6 वोल्ट है उससे कम में ही काम चल जाएगा। अवलेंच ब्रेकडाउन होता है, अब इसको सीखेंगे, तो वो हमारा मीडियम डोपिंग का होता है या फिर लेस डोपिंग का होता है, तो इस वजह से वहाँ हमें 6 वोल्ट से और ज़्यादा अमाउंट का वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे 6 या 6 से कम में काम चल जाता है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ हैवली डोपिंग पी एन एन रीजन द डिप्लीशन विद बिकम्स ए स्मॉल, डिप्लीशन विद कम हो जाती है क्योंकि हैवली डोपिंग करी है। एंड फॉर एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट और लेस, या तो 6 वोल्ट या उससे कम के अप्लाइड वोल्टेज में आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, द फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन बिकम्स वेरी हाई। मतलब इस वोल्टेज पे या उससे कम ही वोल्टेज पे आपकी फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा हो जाती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^7 V/m। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि हम जीनर डायोड के अंदर जो फील्ड की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो करीब 10^7 V/m आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जा रही है, जो कि काफ़ी हाई है और जो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी, ओके, मेकिंग जीनर ब्रेकडाउन, इससे हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बड़े डिटेल में अच्छे से जीनर ब्रेकडाउन हमने समझा। उसके बाद अवलेंच ब्रेकडाउन पे आते हैं, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया कि मेनली वर्क फॉर, ओके, वर्क फॉर आपका, या फिर कैन वर्क फॉर, मेनली वर्क फॉर या कैन वर्क फॉर मॉडरेट डोपिंग के लिए ही काम करता है आपको, मॉडरेट और लेस डोपिंग के लिए काम करता है अवलेंच। और आपका ज़्यादा डोपिंग कर दोगे तो आपका जीनर हो जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे ये अपना बैंडिंग डायग्राम का कॉन्सेप्ट सिंपल सा आ गया। यहाँ पे आप ये लॉजिक समझो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये होल्स हैं इधर फिलहाल, तो वो कि थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, क्योंकि ये पी साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो यहाँ पे होल्स हैं। तो अभी तो आपके जो अच्छा इस साइड में हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम किनको देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको देखो, ये है पी साइड। अब आप कहोगे कि यहाँ तो होल मौजूद है, आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो, होल मौजूद है और होल कभी डाउन हिल मूवमेंट नहीं करते। और आप कहोगे कि ये एन साइड है, ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन कभी अपहिल मूवमेंट नहीं करते, बट थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि ये भले ही पी साइड है, बट पी साइड में होल मौजूद कहाँ होते हैं, होल मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में, होल तो यहाँ मौजूद है, ओके, ये होल मौजूद है, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद है एन साइड में, बट भैया हमें उनका काम ही नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल बात किसकी कर रहे हैं, हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, तो अभी मेजोरिटी कैरियर का हमें काम लेना ही नहीं है। ये समझ में आई बात? अब हमें लेना है माइनॉरिटी कैरियर का काम। तो माइनॉरिटी कैरियर का अगर काम लेना है, तो पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट प्रेफर करते हैं, और यह आपका एन साइड में होल्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर होल, ठीक है, वैलेंस बैंड में, यह आपका अपहिल मूवमेंट को शो करेंगे आसानी से, ठीक है, यह आपका डाउनहिल मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका अपहिल मूवमेंट करेंगे, ये डाउनहिल मूवमेंट करेंगे। ये यहाँ पे लॉजिक समझने वाली बात थी, ओके, ये तो समझ में आया कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स बायस का कुछ तो वोल्टेज अप्लाई किया है इस वजह से। मतलब एक्चुअल में ये बैंड क्यों हुआ है? ये बैंड हुआ है क्योंकि हमने कुछ अमाउंट का रिवर्स बायस का वोल्टेज अप्लाई किया है, तो ये बैंड हो गया आपका। जब तक ये बैंड नहीं होगा, तब तक आपका मूवमेंट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि हमें मूवमेंट कराना किसका है? हमें माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट कराना है, ओके, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये समझो कि ये क्या होता है असल में, ये जो हाइट है ये वाली, ये क्या है? ये Q इंटू वी टोटल है, हम पहले देख चुके हैं किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू फाइव इन प्लस फाइव वी आर, या फिर फाइव वी आई भी बोल सकते हैं, प्लस फाइव सॉरी वी आर, इसके इक्वल है। अगर हम किसी तरीके से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या वी आर को बढ़ा दें, अगर वी आर बढ़ेगा तो इसका क्या मतलब है कि वी आर के बढ़ने से वी टोटल भी बढ़ रहा है। पहले मैं इनको हटा दूँ, ओके, तो वी आर के बढ़ने से वी टोटल बढ़ रहा है, ये पूरा अमाउंट बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो ये जो चीज़ है इसकी हाइट बढ़ रही है, मान लो ये हाइट इतनी हो गई, ओके, ये हाइट बढ़ रही है, तो उस हाइट के बढ़ने से क्या होगा? सबसे यहाँ पे समझने वाली लॉजिक की बात है कि इससे होगा क्या, आपका स्लोप स्टीप हो जाएगा। देखो समझो, सीधा सा बात है कि अभी आपका इसकी हाइट इतनी है, तो आइए आपका ऐसा स्लोप है,
मान लो मैं इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये इससे ऐसे जाके जुड़ेगा। ओके, मतलब मैंने इसको, इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए इसको ऐसे बढ़ा दिया, ऊपर ना बढ़ाते हुए मैंने नीचे बढ़ता हुआ दिखा दिया कि मैंने Q into V total की वैल्यू को बढ़ा दिया। मान लो एक बार मैंने और बढ़ाया, देखो ऐसे, ये मैंने इतना बढ़ा दिया तो ये इतनी हो गई। अब आपकी पूरी हाइट जो है, देखो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या है, ठीक है, ज़रूरी पॉइंट है, क्या बोलूँ मैं, ठीक है, ज़रूरी और टफ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये वैल्यू को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जब मैंने इतना बढ़ा दिया तो आपका ये जो कनेक्ट होगा, ये आपका यहाँ से कनेक्ट होगा, देखो ये कनेक्ट हो रहा है। अब आप तीनों केसेस में देख के बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस केस में आसानी से जाएंगे, जहाँ पे स्लोप आपका बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, वो कि खाई की तरह होगा, मतलब एकदम इलेक्ट्रॉन गिरे और यहाँ चलते हुए चले गए थे, कूदते हुए चले गए। अब आप ये लॉजिक समझे कि अब आप क्या करो, एक केस और बढ़ा दो कि अगर आप ऐसा बना दो, देखो ये, ओके, तो यहाँ तो वही चीज़ है, ये चौथा केस है कि ये तो अपनी ECP तो अपनी जगह ही मौजूद है, बट आपने ये बना दिया चौथा केस, ये चौथा केस बना दिया, इसका स्लोप और ज़्यादा है। इसका स्लोप ज़्यादा कैसे होगा, जब आप इस जगह से ये जो क्यू इंटू वी टोटल की वैल्यू है इसको बहुत ज़्यादा कर दोगे। इसको ज़्यादा कैसे करोगे, इसको आप मोर VR, जब VR की वैल्यू ज़्यादा होगी तब इसको ज़्यादा करोगे। जब आप इसको ज़्यादा कर दोगे तो अब इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से किस केस में नीचे उतर के आ सकते हैं, इस वाले केस में, फाइनल वाले केस में। और इलेक्ट्रॉन क्या पजेस करते हैं अपने पास, काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं। तो ये इस लॉजिक पे वर्क करता है। आपने डोपिंग तो कम करी है, समझ रहे हैं आप, आपने डोपिंग तो कम करी है, बट क्योंकि यहाँ तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर का काम है, तो माइनॉरिटी कैरियर आपका ऐसे ट्रांजिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे, होल ऐसे करेंगे, तो जितना स्टीप स्लोप होगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जैसे ये है ECP और ये बिल्कुल ऐसे हल्का सा बिल्कुल सीधा ही मान लो, और ये आपका है, ये ECN है, ये ECP है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से गिरे और यहाँ से किसी ने धक्का मारा उन्हें और ये धड़ाम से ऐसे गिरे, तो कितनी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को लेते हुए आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को लेते हुए आएंगे। अब उतनी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही हमारा अवलेंज ब्रेकडाउन या अवलेंज मल्टीप्लीकेशन होगा। अभी समझते कैसे, उसी की हमको ज़रूरत थी। तो इतना जो पिछले 5 मिनट हमने समझा, केवल इसी चीज़ को समझने के लिए समझा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के संग आएंगे। अब कैसे आएंगे ये तो समझ में आ गया। तो यही चीज़ है यहाँ पे, क्या है कि इलेक्ट्रॉन विद हाई काइनेटिक एनर्जी और हाई वेलोसिटी, तो ये इस तरीके से है, जैसे ये है, ये आपका ECP है और इस जगह ECN है, ओके, ये आपका बैंड हो रहा है। तो जितना ज़्यादा बैंड होगा, देखो मैंने यहाँ पे भी डॉटेड 4 अलग केस बना के दिखाए हैं, एक तो आपका ये वाला केस हो गया फाइनल, तो जितना ज़्यादा बैंड होगा उतना ही स्लोप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जितना स्लोप ज़्यादा देखने को मिलेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब मान लो कि ये स्लोप है और आपका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक आयन के फॉर्म इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये आपका क्या साइड है, दूसरा साइड है, तो यहाँ पे मान लो ये इस तरीके के आयन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से आएगा उतना ही वो ज़्यादा तेज से धक्का मारेगा, मतलब कोलिजन क्या एक तरीके से धक्का है, ओके, तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के संग आएगा उतना ज़्यादा धक्का मारेगा। तो जैसे वो धक्का मारेगा तो वो एक तो खुद इलेक्ट्रॉन था ही, और एक ये नेगेटिव आयन होने की वजह से वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को और फ्री करा देगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोलिजन टेक प्लेस, कोलिजन हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट कोलिजन या फिर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, आपका एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा जिसको हम सेकेंडरी कैरियर भी बोलेंगे। मतलब ये जो जनरेट हो रहा है ना पिंक वाला, ये सेकेंडरी कैरियर है, ये आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आपके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेगेटिव आयन से टकराएंगे और दो दो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर देंगे, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कितने को, 4 को जनरेट करेंगे, ओके। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो इसने ये 4 को जनरेट कर दिया, ठीक है, तब एक ने 2 को, 2 ने 4 को, इस तरीके से आपका होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक चेन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोलिजन्स हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवलेंच मल्टीप्लीकेशन, एकदम से बहुत अमाउंट में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक है, वो समझ में आया, ओके। तो मोर स्टीप स्लोप मतलब मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब मोर गुड कोलिजन या फिर मोर नंबर ऑफ कोलिजन और मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फाइनली लॉजिक है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बट ये चीज़ कहाँ होती है, इसके लिए आपने एक लॉजिक क्या सीखा सबसे शुरू में, कि आपको स्लोप को स्टीप करना है, वो कैसे होगा, VR की वैल्यू को बढ़ा के। आपने ये चीज़ सीखी कि नहीं सीखी, VR की वैल्यू को जितना बढ़ा देंगे उतना ये Q into V total बढ़ जाएगा, उतना ही स्लोप स्टीप हो जाएगा आपको।
वी आर की वैल्यू को बढ़ा के, मतलब कि वी आर आपका रिवर्स बायस वोल्टेज है जिसको हम वी जेड से डिनोट कर रहे हैं, तो वो अब आपको 6 वोल्ट से ज़्यादा वैल्यू का चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि 6 से कम, अब आपको 6 से ज़्यादा वैल्यू का चाहिए। तो ये लॉजिक है कि यहाँ पे हमारा वी जेड ग्रेटर देन 6 चाहिए और जीनर में आपका लेस देन इक्वल टू 6 चाहिए। ये एवलेंच है और ये आपका जीनर है। तो बिल्कुल डिटेल में हमने समझा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं यहाँ पे। ओके, कोलिजन्स कैसे हो रहा है, सब कुछ कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे ये हमने एक चीज़ और देखी, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही आपका वी बी आर बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम डिपेंड कर रहे हैं कोलिजन्स के ऊपर। ओके, अब कोलिजन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उतने कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक कर जाते हैं। ओके, तो उतना ही आपका ये ब्रेक करता है। बट यहाँ पे क्या है, एक चीज़ समझने की बात ये है कि जैसे ये एक एटम है, ये नेगेटिव आयन है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उससे क्या होगा कि ये जो एटम्स, अगर आपने बेसिक ईडीसी को सही से पढ़ा है या जो मेरे लेक्चर से उससे ही पढ़ा है, तो आपका ये वाइब्रेट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे ये है, ये अभी ऊपर वाइब्रेट किया, अभी इधर पहुँच गया, फिर ये नीचे वाइब्रेट किया, इधर पहुँच गया, तो ये वाइब्रेशन इनका बढ़ जाता है उनकी एक्सिस पे। तो ये वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से होता क्या है ना कि आपका जो कोलिजन होना था वो परफेक्ट नहीं हो पाता। कोलिजन कब परफेक्ट होगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो खूब स्पीड से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये अपनी जगह मौजूद है और इससे जाके धड़ाम से टकरा गया, तो आपका इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो ठीक है। चलो, अगर ये नीचे चला गया, इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसको सोच के कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्किप कर गया, तो कोलिजन नहीं हो पाएगा। ये कारण है कि आपका कोलिजन हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना आपका कोलिजन्स कम हो जाएंगे, और कोलिजन्स तो कम हो जाएंगे बट टेम्परेचर बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा, बट ओवरऑल दोनों का पॉजिटिव, जैसे ये तो आसानी से चलो टूट रहा है, पर ओवरऑल जब सम लेते हैं दोनों का तो आपको ये समझ में आता है कि आपका कोलिजन्स कम ही हो रहे हैं। कोलिजन्स कम हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम फ्री हो रहे हैं। तो अब आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे कराओगे? ज़्यादा वोल्टेज को देखे, या वी आर को ज़्यादा देखे, या वी बी आर को ज़्यादा देखे। तो ये लॉजिक मैंने डिटेल में समझाया कि टेम्परेचर के बढ़ने से भी आपका वैलेंस ब्रेकडाउन में वी बी आर आपका ज़्यादा ही चाहिए। ज़्यादा चाहिए मतलब अब ये ज़्यादा कम से हमें इसका मतलब नहीं कि हम पी टी सी लिखेंगे कि एन टी सी लिखेंगे, वो डिपेंड करता है कि प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए बट ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो शॉर्ट में दिमाग में याद रखेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो जीनर डायोड या अवलेंच डायोड था उसका पॉजिटिव का मतलब था कि हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। ओके, ये हमने डायग्राम बनाया है कि जीनर आपका शुरू में दोनों एक जैसे आते हैं बट ये कम इस जगह के ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ब्रेकडाउन कर जाएगा, और ये लगभग यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे एक्सपोनेंशियली चलेगा बट ये ब्रेकडाउन यहाँ करेगा। ठीक है, मान लो इस जगह ब्रेकडाउन करेगा, ये अवलेंच ब्रेकडाउन है। दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। ओके, ये डिटेल में हमने देखा। फिर बात करते हैं कि पी एन एन रीजन्स आर लाइटली डोप्ड इन दिस केस। इस रीजन में पी और एन रीजन जो होते हैं वो लाइटली डोप्ड होते हैं, ये हमने देख लिया। एज द अप्लाइज रिवर्स बायस इंक्रीजेस द फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे और वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगी, मतलब हम वी आर को जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका स्लोप स्टीप होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अच्छे तरीके से नीचे आ जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आता है कि थर्मली जनरेटेड कैरियर्स वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द जंक्शन अक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने समझाया कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ दिस कैरियर इंक्रीजेस। तो रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट होता है कि जो आपकी कैरियर है उनकी वेलोसिटी आपकी बढ़ जाती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब कोवेलेंट बॉन्ड बाई कोलाइडिंग विद इमोबाइल आयन। और यही जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इमोबाइल आयन से कोलाइड करके अपनी वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। ओके, ये प्रोसेस क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है। उसके बाद एंड रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ अवलेंच ऑफ चार्ज कैरियर विद इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब कम ही समय में बहुत लार्ज नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर को ये जनरेट कर देता है। तो किस तरीके से करता है? इम्पैक्ट आयनाइजेशन से करता है, ये डिटेल में देख चुके हैं। दिस मैकेनिज्म ऑफ कैरियर जनरेशन या फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए तो एक तो वो खुद है ही। ओके, एक इलेक्ट्रॉन तो वो ओरिजिनल वाला है बट एक उसने अलग बनाया है, तो जो सेकेंडरी वाला बनता है उसको हम सेकेंडरी ई एच पीज कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम अवलेंच मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद इसको अवलेंच मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एट द अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो लगभग आप जिस वोल्टेज पे अवलेंच जो मल्टीप्लीकेशन है उसको अचीव कर लेंगे उसी पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करने लगेगी। तो लगभग ये वैल्यू 6 वोल्ट से लेके फिर आपका 10 वोल्ट तक लाई करता है, मतलब 6 से कम पे नहीं होगा।
आपका ग्रेटर देन सिक्स पे होगा, ओके। तो वी पी आर आपको ग्रेटर देन सिक्स चाहिए, ये साइन के ग्रेटर देन है, ये याद रखना, ओके। उसके बाद कह रहा है कि अवलेंस ब्रेकडाउन इज, ये रहा अवलेंस ब्रेकडाउन इज बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन, सो देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर। और अवलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है, क्योंकि थर्मल कोलिजन्स की वजह से होता है, तो जितना कोलिजन्स होगा आपका आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना कोलिजन होगा उतना ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। हैंस नॉर्मल पी एन जंक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, तो यही कारण है कि आपका जो नॉर्मल पी एन जंक्शन है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम ज़ीनर डायोड को लेते हैं, मतलब उस वो अलग ही तरीके का डायोड है, उसको बनाते हैं और उसकी मदद से हम वोल्टेज रेगुलेशन को करते हैं, ओके। क्योंकि नॉर्मल डायोड में अगर आपने बहुत ज़्यादा कोलिजन करा दिया तो फिर उसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आता है द डायोड फैब्रिकेशन इज डन इन सच अ वे दैट इट कैन बी डिस्टेंट फॉर अ राइज ऑफ टेम्परेचर एट द जंक्शन फॉर अवलेंस ब्रेकडाउन, मतलब वो झेल सके ज़्यादा राइज ऑफ टेम्परेचर को, देन सच अ डायोड इज नोन एज अवलेंस डायोड। तो इस केस में उस डायोड को आप अवलेंस डायोड कहते हैं। नॉर्मली जीनर डायोड की मदद से वोल्टेज रेगुलेटर जब भी वर्ड आता है या वोल्टेज रेगुलेशन, वहाँ पे हमेशा याद रखना पूरी ईडीसी और एनालॉग में आप जीनर डायोड को ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर उस डायोड को हमने अवलेंस डायोड बोला है। सो अवलेंस डायोड इज नॉट हैविंग वेरी शार्प ब्रेकडाउन, हमने पहले डिस्कस किया कि जीनर के अंदर शार्प होता है बट यहाँ पे शार्प ब्रेकडाउन नहीं होता, जो कि हमने ग्राफ में भी देखा है कि जीनर का ब्रेकडाउन तो ये ऐसे गिर गया, पर अवलेंस का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये इसी की तरह सेम आएगा बट ये एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ के फिर गिरेगा, तो शार्प एकदम ड्रॉप नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये याद रखेंगे, शार्प ब्रेकडाउन नहीं होता बिकॉज ऑफ द अवलेंच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ये जो अवलेंच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है ये एक्चुअल में क्या है, इसको लॉजिक से समझो कि आपके एक से दो इलेक्ट्रॉन बने, दो से चार बने, ओके, चार से आठ बने, तो इस चीज़ में टाइम लगता है, इसी वजह से ये शार्प नहीं होता। उसके बाद आता है अवलेंच ब्रेकडाउन इज हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये हमने पहले ही देख लिया है। फिर ये लॉजिक भी देख लिया कि इंक्रीज टेम्परेचर कॉजेज लैटिस वाइब्रेशन टू इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ने से लैटिस वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं विच डज नॉट अलाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू इंक्रीज। तो लैटिस वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि आपका ये ऊपर नीचे जा रहा है तो कोलिजन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जब इम्पैक्ट हुआ है तो उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती, ये कम हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी उतनी अच्छी नहीं रहती, कोलिजन उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, सो मोर रिवर्स वाइज वोल्टेज, इसकी चक्कर में हमें ज़्यादा रिवर्स वाइज वोल्टेज चाहिए रहता है। तो ये पूरा लॉजिक हो गया अवलेंच डायोड का। उसके बाद इसको जीनर डायोड फिर आपका डिटेल में रहेगा, तो इसको ऐसा करते हैं लेक्चर 25 पार्ट बी कर लेते हैं।